अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं बेबी बॉय की बर्थ अनाउंसमेंट प्लेट। उसके लिए पहले मुझे मास्क चाहिए, मुझे मोल्ड चाहिए, मुझे रेजिन चाहिए, मुझे स्टिक्स चाहिए और मुझे ग्लव्स चाहिए। तो मैं रेजिन को मेयर कर रही हूँ मेयरिंग स्केल के ऊपर। मैंने रेजिन जो है वो टू पार्ट्स होते हैं। ए पार्ट को मैंने मेयर किया है तकरीबन 52, 53, 54 ग्राम्स। उसके साथ जो उसका हार्डनर होगा वो उससे हाफ़ मेयर करना होता है, तो वो मैंने मेयर किया है तकरीबन 27 ग्राम्स, तो वो उसका हाफ होगा 54 के। ठीक है, सो मैंने इतना मेयर करने के बाद मैं इसको करूँगी मिक्स, और इसको अच्छी तरह हम मिक्स करेंगे तकरीबन 5 मिनट्स के लिए, क्योंकि जब इसमें अभी हम जब इसे मिक्स करेंगे हार्डनर और रेजिन को, तो इसके अंदर क्लाउडी इफेक्ट आता है। तो क्लाउडी इफेक्ट जब ख़त्म हो जाएगा तो प्रॉपरली रेजिन मिक्स हो गया होगा। अब मैं क्या कर रही हूँ कि मैंने रेजिन को मिक्स करने के बाद एक और कप लिया और उसके अंदर मैं थोड़ा सा रेजिन डाल रही हूँ। मैंने इसको 2 कप्स में डिवाइड कर लिया। एक कप में मैं डाल रही हूँ गोल्ड फ्लेक्स की शीट, और दूसरे कप में मैं कलर्ड रेजिन डालूंगी ब्लू कलर, क्योंकि मुझे ब्लू कलर की बेबी बॉय की ब्लैक बनानी है। ठीक है, तो ये इसमें डालूंगी और इनको मिक्स करूंगी। ठीक है, गोल्ड फ्लेक्स मैंने कर लिए हैं मिक्स, और मिक्स करने के बाद अब मैं दूसरा जो है उसमें इलेक्ट्रिक ब्लू कलर माइका पाउडर मिक्स करूंगी दूसरे कप के अंदर, और वो बहुत ही अच्छा शाइनी सा ग्लिटरी सा इफेक्ट देता है माइका पाउडर। तो आप देखें साथ के वो कैसे मिक्स हो रहा है। इसकी मिक्सिंग में आपको ख्याल रखना होगा कि आप जब भी कलर मिक्स कर रहे हों, या आप गोल्ड फ्लेक्स मिक्स कर रहे हों, या रेजिन मिक्स कर रहे हों, आपको मिक्सिंग बहुत स्लो करनी है, क्योंकि ज़्यादा तेज़ मिक्सिंग से बबल ज़्यादा आ जाते हैं और उनको बबल्स को बहुत ही टाइनी बबल्स जो होते हैं वो फिर रिमूव करना मुश्किल हो जाता है। अगर आप स्लो मिक्सिंग करेंगे और जब आप पोर कर रहे होंगे रेजिन मोल्ड के अंदर, तो आप थोड़ा सा हाइट से पोर करें ताकि उसमें जो एयर बबल्स हैं वो डलते हुए मोल्ड के अंदर रेजिन डलते हुए एयर बबल्स जो ज़्यादा बबल्स हैं वो खुद ही रिमूव होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो फिर आपके लिए इजीली उनको हीट गन से रिमूव करना इजी हो जाएगा। तो आप इसको इस तरह से मिक्स करेंगे। अभी आप देखें कि ये इलेक्ट्रिक ब्लू कलर बहुत ही प्यारा सा एक ग्लिटरी सा इफेक्ट दे रहा है। इनको मिक्स करने के बाद मैं हाफ हाफ जो है वो मोल्ड के अंदर डालूंगी, हाफ ब्लू कलर डालूंगी और हाफ गोल्ड फ्लेक्स डालूंगी। इसको हाफ एंड हाफ पोरिंग भी कहते हैं। तो इसको हम डाल के तकरीबन 1 डे के लिए हार्ड होने के लिए रख देंगे। जो रेजिन कप के अंदर बच गया है उसको आप स्टिक की मदद से निकाल के कलर्ड रेजिन के ऊपर डाल दें, ताकि कोई भी जो रेजिन आपका कप में है वो वेस्ट ना हो। और अगर आपके पास कोई छोटा सा मोल्ड है, अगर आपके पास कप में कोई रेजिन एक्स्ट्रा बच गया है और आपके पास कोई छोटा मोल्ड है, किचन का मोल्ड हो या स्टोन्स मेकिंग मोल्ड हो, तो आप उसके अंदर डाल के आप कुछ और भी क्रिएट कर सकते हैं। अब मैं इसके बबल्स रिमूव करने के लिए हीट गन यूज़ कर रही हूँ। आप टॉर्च भी यूज़ कर सकते हैं, आप ब्लो टॉर्च लाइटर कुछ भी यूज़ कर सकते हैं बबल रिमूव करने के लिए। इसको अब मैंने 40 मिनट्स का रेस्ट दिया था। अगर आप टेक्सचर इसके अंदर कोई भी डिज़ाइनिंग करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको तकरीबन 40 मिनट्स का इसको रेस्ट देना होगा, ताकि थोड़ा सा हार्ड हो जाए, फिर उसके अंदर आप टेक्सचर ड्रॉ करें। और अब नेक्स्ट डे है, नेक्स्ट डे के अंदर आप जब ये प्रॉपर हार्ड हो जाएगा, तो मैं इसके ऊपर स्टिकर अप्लाई कर रही हूँ, जो बेबी बॉय का जिसपे नेम है उसकी डेट ऑफ बर्थ है और एक आयत लिखी हुई है। इतनी छोटी प्लेट के लिए विनाइल स्टिकर की कटिंग करना बहुत मुश्किल होती है, तो ज़्यादातर जो आपको वेंडर्स होंगे वो ट्रांसपेरेंट स्टिकर्स ही इतने छोटी प्लेट के लिए बना कर देते हैं, लेकिन बहुत से वेंडर्स ऐसे होते हैं जो आपको विनाइल स्टिकर्स भी बना के दे देते हैं। ठीक है, तो ये अप्लाई करने के बाद अब हम इस पर करेंगे सेकेंड कोट रेजिन का। उसी तरह से जैसे हमने पहले मिक्सिंग की थी वेइंग स्केल के ऊपर, हम रेजिन को मेयर करेंगे और उसमें हार्डनर हाफ क्वांटिटी का डाल के उसको मिक्स करेंगे। अब हम ये ट्रांसपेरेंट रेजिन को उसी तरह 5 मिनट्स के लिए मिक्स करके फिर इसके ऊपर रेजिन की हम दोबारा से लेयर डालेंगे नेक्स्ट डे, जब ये हार्ड हो चुका है इसकी बेस। 5 मिनट में अच्छी तरह मिक्सिंग करने के बाद अब मैं इसके ऊपर
ट्रांसपेरेंट रेजिन की पोरिंग कर रही हूँ। और इसी तरह से हमने ट्रांसपेरेंट रेजिन को पूरी ब्लैक के ऊपर पोर करके और उसके बाद उसके ऊपर हमने दोबारा से हीट गन के थ्रू उसके बबल्स रिमूव करने हैं। जब आप ट्रांसपेरेंट लेयर देते हैं तो उसके बबल्स रिमूव करने का ख़ास ख्याल रखें, क्योंकि वो ट्रांसपेरेंट लेयर है और उसके ऊपर बबल्स जो हैं वो काफ़ी हद तक नज़र आते हैं और बहुत बुरे लगते हैं। तो आप इस तरह से जब भी ट्रांसपेरेंट लेयर दें तो उसको अच्छी तरह से उसके बबल्स रिमूव करें, चाहे ज़्यादा देर हीट गन करें या उसके ऊपर टार्च से 5-5 मिनट के वक्फे से उसके ऊपर टार्च यूज़ करें, ताकि उसके कोई भी टाइनी बबल अगर रह गया है तो वो ख़त्म हो जाए। तो इस तरह से इसको हीट गन करने के बाद हम इसको दोबारा से छोड़ देंगे नेक्स्ट डे तक हार्ड होने के लिए। और जब ये नेक्स्ट डे हार्ड हो जाएगा फिर मैं इसको मोल्ड से बाहर निकालते हुए आपको वीडियो दिखाऊंगी कि इसको मोल्ड से हमने बाहर निकाला तो इसकी क्या फाइनल लुक आई है। तो जी, ये नेक्स्ट डे है और हम इसको मोल्ड से बाहर निकाल रहे हैं क्योंकि ये ड्राई हो चुका है। और आप इसकी लुक देखें कि कितना प्यारा शाइन आई है इसके ऊपर और बहुत ही प्यारा टेक्सचर आया है, इतना फ्लॉलेस शाइन के साथ। ठीक है, इसकी बेबी बॉय की ब्लैक अगर आपने घर में बनानी हो तो आप इस वीडियो ट्यूटोरियल को लाजमी फॉलो करें और इस तरीके से बनाएं, ताकि आप किसी भी पर्सन को अगर गिफ्ट देना चाहें या आप गिव अवे करना चाहें या फेवर बॉक्सेस देना चाहें, किसी की बर्थ अनाउंसमेंट करना चाहें, तो उस पर आप इस तरह के प्लेक्स बना सकते हैं। आप इसको एज अ बिज़नेस भी, अपना बिज़नेस भी रन कर सकते हैं। और मज़ीद इसी तरह की ट्यूटोरियल वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को शेयर करें, बेल आइकॉन पे क्लिक करें, ताकि हमारी जितनी भी नई वीडियोस आएं वो आपको फौरन से शो हो जाएं। I'm